वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? हाँ ठीक तो है, बट आजकल मौसम बड़ा सुस्ती वाला हुआ आपकी है। आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है, थोड़ी हल्की आ रही है। अभी आ जाती है। ठीक, अब आ रही है। हाँ बेटा सर। यस सर। मैं कह रहा था कि आजकल मौसम बड़ा सुस्ती वाला हुआ हुआ है। आप लोगों का क्या हाल है? आप भी ये वाला थोड़े, सर, मौसम आजकल तो बीमारियां लेके आया हुआ है आजकल तो। हाँ जी, सुस्ती से मुराद यही है। लाइक ऐसे लगता है कि गला खराब है, कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, दिल ही नहीं करता कुछ करने का। यस सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसके अलावा कोई आप लोग बात शेयर करना चाहते हो? एक वेब से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, जो जनरल पब्लिक लाइसेंस होते हैं, क्या नाम है, आपने कोई प्लगइन वगैरह लिया है? यानी ना JPL जो होता है, लाइसेंस वगैरह कुछ तो होती है ना, कंपनीज देती हैं कि ना अपने लाइसेंस आपको बाय करने होते हैं, और एक होता है JPL होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। सर आपको पता है इसके बारे में थोड़ा? लाइसेंस सिर्फ आपको यूज़ करने की इजाज़त के लिए होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट कौन बता यूज़ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। जो जनरल पब्लिक होता है वो यही होता है कि एवरीवन कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, उसके लिए मैं अदर। मेजोरिटी वर्डप्रेस यूज करता, मैं इसके बारे में पढ़ा था, JPL के बारे में, जनरल पब्लिक लाइसेंस के बारे में, कि जो हमारी जो वेबसाइट बनना, ये जो डेवलप होना शुरू हुई थी, ये इसके थ्रू हुई थी, JPL के थ्रू, कि लोगों ने JPL जब प्रोवाइड किया था, लोग अपनी वेबसाइट वगैरह बना रहे थे, यानी एक तरह से फ्री लाइसेंस दी थी कि लोगों को अपना काम करें, यानी सर टैलेंट बाहर आया था। लोग फिर वेबपेज को इस्तेमाल करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं। इसका कोई यस सर, एक खास एग्जैक्टली मालिक नहीं होता जिसको आपको पैसे देने होते हैं कि भाई मैं तुम्हारी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो जनरल पब्लिक का मतलब होता है इट इज़ एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, कि एवरीवन कैन कस्टमाइज इट, यूज इट इन देयर पर्सनल प्रोजेक्ट। ये किसी की जिसको कहते हैं ना पेटेंट का लफ्ज़ सुना होगा, काफ़ी चीज़ें पेटेंट होती है, ये किसी की प्रॉपर्टी। चले, लास्ट टाइम हमने जहाँ से बात छोड़ी थी आज उसी से शुरू करते हैं। हम बेसिकली क्रेड प्रिपरेशन सीखना चाह रहे हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके अपने रिसोर्सेज को हमने क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। तो लास्ट टाइम जहाँ से हमने बात खत्म की थी आज उसी से शुरू कर लेते हैं। V1 में ये आप लोगों का प्रोजेक्ट था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। इतना शुरू में वही चीज़ें आप सब जानते हैं, हमने पहली दफ़ा मोंगोस का इस्तेमाल किया, मोंगोस को वो किया, इंस्टॉल किया, और मोंगोस का क्या इस्तेमाल किया, मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट होने के लिए। और मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं, हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं मोंगोस डॉट कनेक्ट, और आगे अपने डेटाबेस की जो होती है ना कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि हमें मोंगो डीबी से मिल जाती है, वो हमने यहाँ पे कॉपी कर दी, पेस्ट कर दी। तो इस फंक्शन को हमने ये वाली स्ट्रिंग दे दी। फिर मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होती है डॉट देन एंड डॉट कैच। देन का मतलब होता है अगर तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो जो डॉट देन का फंक्शन चल जाए ताकि हमें पता चल जाए कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, अदरवाइज कोई एरर आ गया तो वो एरर हमें शो हो जाए ताकि ये भी पता चल जाए कि यार डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, एरर आ गई है। और बाकी सारी चीज़ें वही है। हमने क्या किया था, हम चाह रहे थे हम स्टूडेंट्स का डाटा सेव करें डेटाबेस में। हमने एक मॉडल्स का फोल्डर बनाया, उसमें स्टूडेंट का स्कीमा लिखा। स्कीमा लिखने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होती है मोंगोज की, तो मैंने यहाँ पे मोंगोज को इम्पोर्ट किया
स्कीमा लिखते हैं न्यू मोगल डॉट स्कीमा, कि मुझे एक स्कीमा बनाना है, ये स्कीमा का नाम है स्टूडेंट स्कीमा, और मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, और एक चीज़ और डाल देते हैं डेट, कौन सी डेट को ये स्टूडेंट क्रिएट हुआ था। इसकी टाइप लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक टाइप होती है डेट की, और यहाँ पे कोई चीज़ लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जो डेट है ना वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाए। तो मैं लिखता हूँ डेट डॉट नाउ। जब जब कभी आप लोग फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं या कोई पिक्चर लगाते हैं, तो उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि वो कौन सी डेट को आपने पोस्ट शेयर की थी। तो वो यही तरीक़ेकार होता है कि डेट है ना, जो उस वक्त आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे डेट होती है, वो खुद ब खुद क्रिएट होके आपके डेटाबेस में सेव हो जाती है उस पोस्ट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ही हमने स्टूडेंट में भी इसको एक डेट नाम की प्रॉपर्टी दी। जब कभी एक नया स्टूडेंट क्रिएट होगा, उसकी जो वैल्यू है वो हम नहीं देंगे कि कौन सी डेट को क्रिएट हुआ था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो करंट आपकी डेट होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ये हमने स्टूडेंट का स्कीमा लिखा था, फिर हमने स्कीमा को कन्वर्ट किया एक मॉडल के अंदर। उसका ये फंक्शन है मोंगोज डॉट मॉडल। इसका जो पहला पैरामीटर है वो आपके टेबल का नाम होगा। हमारे केस में हम स्टूडेंट का डाटा सेव कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, और ये हमेशा लिखते हैं सिंगुलर में। और जो टेबल क्रिएट होगा वो स्टूडेंट्स के नाम से क्रिएट होगा। और जो दूसरा पैरामीटर है वो स्कीमा होता है जो आपने ऊपर बनाया स्टूडेंट स्कीमा के नाम से। तो ये इसको कन्वर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा और इस वेरिएबल को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा मॉडल, इसमें स्कीमा लिखा, उसको मॉडल में कन्वर्ट किया, उसको एक्सपोर्ट कर लिया। इसके अलावा अगर देखें व्यूज के अंदर क्या स्टूडेंट्स का, और उसके अंदर सिर्फ एक HTML फॉर्म पड़ा है जहाँ पे हम डाटा एंटर करके डेटाबेस को भेजेंगे कि भाई ये मैंने स्टूडेंट का डाटा एंटर किया, ये तुम डेटाबेस में सेव कर दो। अच्छा जी, अगर मैं इंडेक्स की फाइल खोलूँ, यहाँ पे आपको पता है ये मेरा पोर्ट नंबर है, और ये लाइन मैं एक दफ़ा काटा कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे स्टैटिक एसिड पब्लिक में पड़े हैं, मैं कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं EGS इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी आपको पता है। और ये मेरे MongoDB की स्ट्रिंग है जो मुझे कहाँ से मिली, जो मुझे इधर से मिली जी, ये मेरा MongoDB है। ये देखें, ये मेरा है क्लस्टर। आपको क्लस्टर बनाना मैंने सिखाया था, पर मैं वीडियो शेयर करना भूल गया। मुझे यकीन है आप में से किसी को याद नहीं होगा क्योंकि मैंने वीडियो शेयर नहीं की थी रिकॉर्डिंग। यही बात है ना, मैंने वीडियो तक शेयर नहीं किया आपको लास्ट लेक्चर की। अच्छा, ये हमने बनाया था क्लस्टर। आप इधर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो दरमियान पे आके क्लिक करेंगे, ये आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी जिसको आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने इसको इधर पेस्ट कर दिया। इस स्ट्रिंग में दो चीज़ें बदलनी है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है, और यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का नाम लिख देना है। आपने डेटाबेस लिख दिया लम्स, आप लम्स का डेटाबेस बना रहे हैं। फिर हमने बनाए राउट्स। अभी तक हमने कितने राउट लिखे थे, एक लिखा था होम राउट, और एक लिखा था कि जो मैंने HTML का फॉर्म बनाया ना उसको तुम कर दो रेंडर, और वो फॉर्म किसके अंदर पड़ा है, व्यूज, व्यूज के अंदर फोल्डर है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर एक फाइल पड़ी है न्यू स्टूडेंट डॉट EJS। दो हमने बनाए थे राउट, और फिर हमने एक सर्वर बनाया और नीचे MongoDB के साथ कनेक्ट हो गए। ये सारी कार्रवाई हमने की थी लास्ट लेक्चर में। अच्छा, ये मेरा है होम राउट। मैं चाहता हूँ जब मैं होम पेज पे जाऊँ तो एक पेज ओपन हो जाए, तो मैं जाता हूँ व्यूज में, और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ index.ejs। यहाँ पे एक होम पेज बना लेते हैं अपना, ताकि होम पेज पे हमें कुछ नज़र आ जाए। होम पेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी वेलकम टू, बस ये ठीक। ये मैंने एक होम पेज बनाया, और इधर आके जब मैं होम एड्रेस पे जाऊंगा, मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेंडर हो जाए। पेज का मैंने क्या नाम रखा है जी, index.ejs। EJS आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने सेव किया, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। ये मेरा व्यूज है, व्यूज के अंदर ये मेरा index.ejs पड़ा है, और ये स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर न्यू स्टूडेंट डॉट EJS की फाइल पड़ी है जो मेरा HTML का फॉर्म है। अच्छा, मैं इधर आता हूँ जी, मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। नोट
स्टार्ट यार। चलिए सर्वर तो स्टार्ट हो गया, अभी MongoDB के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं ये भी देख लें। कैलकुलेशन करने बैठ गए। Not connect to any server in your MongoDB. One common reason is that you are trying to sell data attribute. अच्छा जी, ये कह रहा है कि आप किसी ऐसे आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आपके MongoDB को आपने बताया नहीं। चलिए ये एक अच्छी एरर आ गई, क्योंकि जब हमने ये क्लस्टर बनाया था ना, तो हमने एक यूजर ने पासवर्ड बनाया था और उसको अपना आईपी एड्रेस दिया था। तो यहाँ पे आप देखें साइड बार के अंदर होगा नेटवर्क एक्सेस कि कौन कौन से लोग इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल मैंने ये आईपी एड्रेस दिया हुआ था। आपको पता है जब कभी हम किसी वाईफाई के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, हमें एक नया आईपी एड्रेस का साइन होता है। तो अभी जब मैंने आपको पिछले हफ्ते लेक्चर दिया था, वो आईपी एड्रेस कोई और था, अब आईपी एड्रेस कोई और है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है एट आईपी एड्रेस। पहला ऑप्शन ये है कि भाई मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस लिखूँ जो मेरा अभी करंटली है, मैं उसकी बजाय इस पर क्लिक करता हूँ, ये है ऐड करंट आईपी एड्रेस, यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस आ जाएगा जो अभी मुझे मिला हुआ है। दूसरा ऑप्शन है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी आईपी एड्रेस से इस डेटाबेस को एक्सेस करूँ, मुझे एक्सेस दे रहे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैंने कन्फर्म कर दिया। अभी ये रिक्वेस्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं दोबारा से सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। जब हमने क्लस्टर बनाया था ना, हमने दो चीज़ें बनाई थी, यूजर नेम पासवर्ड और कौन से आईपी एड्रेस से हमने वो इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये देखें नेटवर्क एक्सेस के अंदर हम यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। और अगर हम डेटाबेस एक्सेस के अंदर जाएं, ये देखें ये मेरा है यूजर नेम और एक मेरा पासवर्ड था जो मैंने यहाँ पे लिखा होगा। ये देखें ये मेरा यूजर नेम है नुमान अंडरस्कोर सिंह और ये मेरा पासवर्ड है। अच्छा जी देखता हूँ, वो कंप्लीट, ये भी पेंडिंग है। जैसे ही कंप्लीट होगा ना, फिर हम इसको दोबारा से एप्लीकेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्टिव हो गया, इसका मतलब है आप मैं किसी भी आईपी एड्रेस से इस डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहूँ, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैं इधर आता हूँ जी, सर्वर लिसनिंग कनेक्टेड टू MongoDB। चलो ये गुड हो गया। अब मैंने अपने इस क्लस्टर के साथ, मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ डेटाबेस पे, ये मेरा क्लस्टर है। फिलहाल यहाँ पे ना कोई डेटाबेस है, ना कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो अब मैंने करना क्या है, अब मैंने क्रट की तरफ जाना। अच्छा ये मेरा होम पेज है और होम पेज पे ये पेज रेंडर हो रहा है। मैं यहाँ पे चला के रखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी लोकल होस्ट होम पेज पे जाऊँ, वेलकम टू लम्स, ओके हो गया, ये मेरा पेज रेंडर हो रहा। अब चलते हैं HTML फॉर्म्स की तरफ, वो क्या होते हैं। जो मेरा HTML का फॉर्म है, कोई मुझे बताएगा वो कौन सी मैं URL पे जाऊंगा तब ओपन होगा। अगर आप मेरे ये लोड्स को देखें, तो मेरे मैं कौन से URL पे जाऊं तो HTML का फॉर्म मेरा ओपन होगा। जो मेरा HTML का फॉर्म है वो ये है, ये देखिए व्यूज के अंदर स्टूडेंट, ये न्यू स्टूडेंट .ejs, ये मेरा HTML। तो यहाँ पे मैंने तो कौन सा राउट लिखा हुआ जहाँ पे मैं जाऊँ तो ये फॉर्म ओपन। कोई बता सकता है क्या स्टूडेंट इजी है? सर आपकी आवाज ही बहुत कम आ रही है, समझ ही नहीं आ रही। सारे को कम आ रही है कि सिर्फ आपको? अब ठीक है, अब सही है ये सर। अरे मैं फिर अपनी हैंड फ्री को जरा एडजस्ट कर लूं, मे बी इसका कोई मसला। अब आ रही है सारे को आवाज? सही आ रही है सर। अब चले ठीक है, आपने ठीक बताया। ये जो है ना URL, देखिए मैंने एक राउट लिखा है app.get, कि जब मुझे कोई get request आए इस URL पे तो
तो तुम ये जो है ना न्यू स्टूडेंट का वेब पेज इसको रेंडर कर दो, और ये वेब पेज मेरा HTML फॉर्म, तो मैं इस URL पे जाता हूँ /student/new, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इधर आता हूँ जी, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, देखें /student/new, ये मेरा छोटा सा HTML का फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था, मैंने 5 इनपुट फील्ड बनाई थी, मेरा नाम, स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, और कुछ भी मैंने नहीं किया। और आपको पता है हर जो होती है ना इनपुट फील्ड, उसका हमें कुछ एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं, उसकी टाइप और उसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसका नाम वही होना चाहिए जो हम अपने मॉडल के अंदर, अपने स्कीमा के अंदर रखते हैं। लाइक स्कीमा के अंदर मुझे उसका एक नाम चाहिए, उसकी एज चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसकी वो कौन सी डेट को क्रिएट हुआ था। तो HTML फॉर्म के अंदर भी मैंने उसका एक इनपुट का नाम रख दिया, नेम इसका, एक का नाम रख दिया, एज, एक का फोन नंबर, एक का एड्रेस। तो जो मेरे स्कीमा में डाटा चाहिए उसी स्कीमा के मैंने इनपुट रख देने, ताकि मैं इस इनपुट का डाटा यूजर से लेके अपने डेटाबेस में सेव कर सकूँ। अच्छा, जब मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा कहाँ जाएगा, मेरा डाटा कौन से रूट के पास जाएगा, उसका एड्रेस मैंने लिखना है एक्शन के अंदर। तो फर्स्ट करें मैं यहाँ लिखता हूँ /students STUDENTS। मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, इस रूट पे मेरा डाटा चला जाए। और ये रूट मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रूट मैंने अभी तक लिखा ही नहीं, तो ये रूट मैं लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ app.get/students, पे देखते हैं जी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और response.send, यहाँ पे लिख देते हैं जी डाटा रिसीव्ड, बस डाटा रिसीव्ड। चले, तो इस URL पे मेरा डाटा आएगा और जस्ट यहाँ वो मुझे रिस्पॉन्स भेज देगा, ये टैक्स मैं इधर आता हूँ। और ये दूसरा एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का मेथड, दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। पहले हम गेट को देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट, अब तो इसको चला के देखते हैं होगा क्या। सर्वर को दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इधर आता हूँ जी, पेज को भी रिफ्रेश करता हूँ। चलिए, अभी जो मेरा HTML का फॉर्म है, ये मेरा डाटा कहाँ पे लेके जा रहा है, /student पे, और मेथड क्या, गेट। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिखूंगा। फर्स्ट करें मैंने ये डाटा लिख दिया, एक हाइपोथेटिकल डाटा, एक स्टूडेंट है, उसका नाम ये है, उसकी एज ये है, फोन नंबर ये है, एड्रेस ये है। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, बताएगा मुझे इस फॉर्म को देख के, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए। ये HTML फॉर्म है, सबमिट पे क्लिक किया तो व्हाट विल हैपन। आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही, मैं तो काफी क्या बोल रहा हूँ। सर सर आती है कभी, सही आने लग जाती है कभी ना, वो पीछे पता नहीं किस तरह का साउंड, ब्लर सा साउंड आने लग जाता है। अच्छा, फेड होने लग जाती है आवाज आपकी कभी कभी, समझ ही नहीं आती, तो आधी बात की समझ आती है, ये आधी की आती है। लेक्चर लेना भी पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, ताकि मैं ये ना हो कि आप लोगों को समझ ही ना आए, तो मेरी भी हार्डवेयर कैसे जाए और आप लोगों का टाइम भी। जो जरा मेरे से इंटरेक्ट करें, सर जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अभी तो मेरे पास करीब करीब अब इंटरनेट भी ठीक चल रहा है, तो मेरा फिर ख्याल है ये इंटरनेट का इश्यू होगा, क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल की भी एक मुझे मैसेज आया है। सर वो माइक का भी इशू है आपकी, आपके ना माइक से ही शोर आ रहा होता है। अब
अभी आप लोग 31 लोग हो, तो फिर लेक्चर को कैरी ऑन किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि वास्को भी आता। फिर जरा एक मिनट ठहरे, मैं हैंड फ्री बदल के देखता हूँ। हेलो बच्चों, मैंने हैंड फ्री बदली, आप कुछ है इसमें? सर अब जबरदस्त आ रही है आवाज सर। इसका मतलब हैंड फ्री, इसका मतलब फारिग हो चुकी है बोली हैंड फ्री। अच्छा, यस सर, दे दें किसी गरीब को। नहीं, वो मैंने हैंड फ्री पे बात नहीं करता ना, तो मुझे पता नहीं कि इसके माइक को क्या मसला। अभी आपको लेक्चर दिया, मुझे पता चल गया। चलें, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, किधर थे हम? अच्छा, ये मेरा HTML का फॉर्म है जो कि मेरे डाटा को लेके जाएगा सर्वर के पास, और मैं इसको स्टूडेंट के टेबल के अंदर डाटा को सेव कर दूंगा। अब अगर मैं इधर सबमिट के बटन को क्लिक करता हूँ, तो लॉजिकली सबमिट का बटन क्लिक करने से क्या होगा? ये मेरा फॉर्म है, इसको देख के कोई मुझे बताएगा? जैसे मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूँगा तो क्या होगा? एक्शन में स्टोर चला जाए, सर ये स्टोर हो जाएगा मोबाइल पे। सर एक्शन में जो आपने आपकी बात भी कट के आ रही है, जो भी नए स्टोर। हाँ जी, आवाज कट के आ रही है, आप जो भी बोल रहे हैं। चले मैं बता देता हूँ, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये स्लैश एक्शन के URL के पास जाएगा ये फॉर्म डाटा लेके, और ये फॉर्म हमारे सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो होगी गेट रिक्वेस्ट। और आपको पता है कि HTTP रिक्वेस्ट दो किस्म की होती है, HTTP रिक्वेस्ट दो किस्म की होती है। HTTP रिक्वेस्ट दो किस्म की होती है, एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट। चूंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये मेथड कौन सा है, गेट, इसका मतलब जैसे ही हम सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, एक HTTP गेट रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि डाटा लेके जाएगी इस URL पे स्लैश स्टूडेंट, और ये URL मैंने इसका रूट यहाँ पे लिख दिया, और ये ऐप के बाद मैंने ये लिखा हुआ गेट। इसका मतलब अगर मेरे सर्वर के पास कोई गेट रिक्वेस्ट आई जिसका URL ये हो, तो वो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देगा। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, इस URL पे मेरा जो एड्रेस है वो मैच हो जाएगा और ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं इधर आता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखें डाटा रिसीव्ड। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, एक गेट रिक्वेस्ट जनरेट हुई, और यहाँ पे लिखा हुआ था अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आए app.get इस URL पे, तो तुम डाटा रिसीव्ड टेक्स्ट मुझे एज अ रिस्पॉन्स भेज देना, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ क्या हुई है, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, जो मेरा URL है ना, उसके बाद एक इंटरोगेटिव साइन लग गया, और मेरे जितने भी इनपुट थे ना, उनका डाटा मेरे URL में लिखा हुआ आ गया। लाइक मैंने लिखा था नेम नुमान सलीम, देखें नेम नुमान सलीम आ गया, एज मैंने लिखी थी 55, फ़ोन नंबर मैंने लिखा था ये, और अपना एड्रेस लिखा था मैंने ये मोहल्ला गढ़ा जंग रोड चनेट। तो दो चीज़ें हुई, पहली चीज़ सबमिट करने के बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, और वो कौन सी रिक्वेस्ट थी, गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ मेथड लिखा गेट, और वो कौन से एड्रेस पे गई, डैश स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट, स्लैश स्टूडेंट्स में जाके उसने इसको मैच किया, दिस इज़ अ गेट रिक्वेस्ट, तो ये उसने मुझे टेक्स्ट को सेंड कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको कॉपी करता हूँ सारे को, और मैं यहाँ पे सिर्फ गेट की जगह लिखूँ पोस्ट, ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, पहले आप हमेशा यहाँ गेट लिखते थे, अब मैंने लिख दिया पोस्ट। इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आए इस एड्रेस पे, तो तुम ये फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
पोस्ट ये ले लें जितने मर्जी, ये नीचे से उठा लें फिर नीचे पड़े हुए पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी गेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट डाटा रिसीव। चलें अब ये देखें, ये ऐप डॉट गेट है और ऐप डॉट पोस्ट है। अभी या मैं मेथड को करता हूँ जी पोस्ट, और इधर आता हूँ जी सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अब जब मैं यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ पोस्ट रिक्वेस्ट डाटा रिसीव्ड। यहाँ से आपको समझ लग जाएगी, अभी मैंने मेथड किया था पोस्ट, मतलब एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो जो कि मेरे सर्वर के पास जाए। अब एड्रेस दोनों का सेम है /student/student, लेकिन वो ये भी देखता है कि ये गेट रिक्वेस्ट है कि पोस्ट रिक्वेस्ट है। अगर तो वो गेट रिक्वेस्ट है वो इस वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो वो इस वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। ये आपको समझ लगेगी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं। अब से पहले हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे थे, लाइक ब्राउज़र पे जब हम अपना URL पे एड्रेस लिखते थे यहाँ पे और इंटर करते थे तो एक गेट रिक्वेस्ट जनरेट होती थी। लेकिन जो हमारा HTML का फॉर्म है ना, ये गेट रिक्वेस्ट के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकता है, और हम अपने राउट गेट रिक्वेस्ट के भी लिए भी लिख सकते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए भी। इस चीज़ की आपको समझ लगी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में फ़र्क कैसे करते हैं हम, कि हमें पता कैसे चलता है कि दिस इज़ अ गेट रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ अ पोस्ट रिक्वेस्ट। बच्चों गेट के साथ गेट लिखा होगा सर। हाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ गेट तो आपके ख्याल से मुझे एज अ रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? मैंने मेथड कर दिया गेट, इसको मुझे इंग्लिश या मुझे उर्दू में बोल के बताएं जब मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूँगा तो क्या होगा? ये मेरा फॉर्म है सर, वो क्या नाम है नेम और जो उसके अंदर जो जो उसके अंदर जो सही जो नेम, यानी नेम हमें गेट करके देगा? नहीं, इससे ये होगा एक गेट रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि सर्वर पे जाएगी इस URL पे, और मेरे सर्वर पे ये URL दो दफा लिखा हुआ मैंने, ये और ये /student। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा उसने app.get को इम्प्लीमेंट करना है या app.post को? वो देखेगा whether it is a get request, हाँ जी। तो आपको गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में फर्क पता चल गया। अब इनका फायदा या नुकसान क्या होता है? अब देखें, अगर यहाँ पे है गेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट में जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा डाटा जाता है जी /new पे जाए, जब मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे एज लिख दी 22, मेरा डाटा जाता है मेरे URL के अंदर। ये देखें, ये है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद जितने भी यहाँ पे वेरिएबल लिखे होते हैं उनको कहते हैं क्यूरी, कि ये मेरी क्यूरी है, कि ये मेरा नाम है, ये मेरी एज है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पोस्ट कि भाई तुम गेट रिक्वेस्ट ना सेंड करो, तुम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करो, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं बैक आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डाटा फिल करता हूँ, यहाँ पे एज लिखता हूँ जी 33, सबमिट करता हूँ। आप देखें मैंने सबमिट तो कर दिया पर मेरा जो डाटा वो मेरे URL में नहीं जा रहा। ये चीज़ आपने पिक की, गेट रिक्वेस्ट में मेरा डाटा मेरे URL में जा रहा था, डाटा मेरा सर्वर के पास जा रहा है दोनों सूरतों में, लेकिन गेट की सूरत में वो जा रहा था मेरे URL के अंदर एम्बेड होके, और पोस्ट की सूरत में वो जा रहा है छुप के, मेरी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर छुप के जा रहा है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके हो गया। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? अगर तो हम यहाँ पे लिख लिए मेथड गेट तो डाटा मेरा जाएगा URL के अंदर, और मेरे URL में खास क्वांटिटी से ज़्यादा डाटा मैं भेज नहीं सकता, इसका साइज़ फुल हो जाता है, तो मैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं यहाँ पे करूँगा पोस्ट, पोस्ट का मतलब होगा कि आई कैन सेंड
1 GB डाटा, 2 GB डाटा, उसके साइज की कोई अब लिमिट नहीं होगी, वो एड्रेस के अंदर एम्बेड होके चला जाएगा। तो इसलिए जब भी हम डेटाबेस को कोई डाटा भेजते हैं, हम उसको पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजते हैं, ताकि साइज की वजह से मेरा डाटा ये ना हो कि आधा डाटा चला जाए और साइज ख़त्म हो जाए मेरे जो होती है URL स्ट्रिंग का, और मेरा आधा डाटा मेरे पास ही रह जाए और डेटाबेस में डाटा सेव ही ना हो जो मैं करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़, आपने जब भी फॉर्म के जरिए कोई डाटा अपने डेटाबेस में सेव करवाना है तो उसका मेथड रखना पोस्ट। और पोस्ट का दूसरा फायदा ये है कि अगर ये होता एक साइन अप फॉर्म, लाइक ये फेसबुक का पेज होता, यहाँ पे मैं लिखता अपना नेम और पासवर्ड, तो वही अगर मेरे पीछे कोई खड़ा है, ये ऊपर मुझे पासवर्ड आ जाना था नज़र कि मैंने अपना पासवर्ड क्या रखा है, तो ये मेरी प्राइवेसी को भी इंश्योर करता है कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के जरिए डाटे को अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर छुपा के भेजूँ। दो चीज़ें होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो रूट बनाए हुए हैं, एक गेट वाला, एक पोस्ट वाला। अब मैंने गेट के जरिए डाटा नहीं भेजना, तो मैं इसको कर देता हूँ अनकमेंट, मुझे अब इस रूट की जरूरत नहीं है। अब मेरा जो पोस्ट रूट है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट डाटा रिसीव्ड, मतलब मेरे सर्वर को कोई डाटा रिसीव हो रहा है, तो मेरे सर्वर को कौन सा डाटा रिसीव हो रहा है जो मेरे फॉर्म के अंदर मैंने इंटर करके सबमिट किया है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैंने वो डाटा पढ़ना है। अब वो डाटा कहाँ पे बंद होगा, मैंने आपको कहा था वो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर बंद होगा, यही बोला है ना मैंने। पहले मैंने फॉर्म में से वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको डेटाबेस में सेव करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सट्रैक्ट फॉर्म डाटा, ये मेरा पहला स्टेप है। और मेरा दूसरा स्टेप होगा सेव द एक्सट्रैक्टेड डाटा इनटू माय मोंगो डीबी डेटाबेस। ये दो स्टेप मैंने करने हैं। पहले मैंने डाटा जो मुझे फॉर्म का मिला है उसको फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना है, दूसरा मैंने उसको डेटाबेस में सेव करना है। अब जो डाटा मेरे फॉर्म में जो मैंने इंटर करके भेजा था सबमिट करके, मुझे वो मेरी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर इम्बेड होके मिला है, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप लोगों ने लिखना है, पहले डाटा को कंसोल करा के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ लॉग, आपने लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट की बॉडी है ना उसके अंदर वो डाटा इम्बेड होके मेरे पास आ रहा है सर्वर के पास, तो वो डाटा पड़ा होगा रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉडी, बॉडी के अंदर आपके फॉर्म का डाटा पड़ा होगा, पहली चीज़ ये। मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। सर्वर को मैंने रिस्टार्ट किया और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा फिल किया, सबमिट पे क्लिक किया तो वो आ गया जो मैं चाह रहा था। यहाँ पे आ गया अनडिफाइन, इसका मतलब ये जो मेरा कंसोल है ना रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इसको कुछ क्यों नहीं मिल रहा, मैंने अपने सर्वर को ये बताना है कि तुमने अपनी बॉडी के अंदर मेरी जो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डाटा आ रहा है उसको डाटे को डिकोड कैसे करना है। तो डाटे को डिकोड करने के लिए कमांड यूज होती है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पे यूज किया स्टैटिक एसेट के लिए। ये एक होता है ऐसा फंक्शन जो हमेशा चलता है जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड, ये फंक्शन, इसको एक ऑब्जेक्ट दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेंडेड ट्रू। इस कमांड के जरिए मैं अपने सर्वर को बता रहा हूँ कि डिकोड द डाटा एम्बेडेड इनसाइड रिक्वेस्ट बॉडी, के जो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डाटा आपके पास आ रहा है ना उसको तुमने डिकोड करना है। बस ये मैंने इसको बता दिया और मैं इधर आऊँगा। अब मैं देखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो डाटा छुपा हुआ था, क्या उसको डिकोड करके मुझे बता सकता है कि यार ये डाटा छुपा हुआ था। मैं अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, मैं दोबारा से HTML फॉर्म की तरफ जाता हूँ। इस URL पे मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ कुछ भी, 11 साल, सबमिट करता हूँ।
अब वो कंसोल पे ये देखे डाटा प्रिंट हो गया, ये देखें नेम था नुमान जो कि मैंने अपने HTML फॉर्म में लिखा था, एज मैंने लिखी थी 11 साल, ये मेरा फ़ोन नंबर, ये मेरा एड्रेस, ओके हो गया। इसका मतलब रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर जो डाटा आएगा जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, अब मैंने इस डाटा को सेव भी करना है MongoDB के अंदर, वो भी बड़ा आसान तरीका है। लेकिन उससे पहले अगर मैं अपना स्कीमा देखूं तो मैं अपने स्टूडेंट के कौन कौन सी चीज को सेव करना चाहता हूं, मैं अपने स्टूडेंट की कौन कौन सी चीज सेव करना चाहता हूं अगर मैं स्कीमा को देखूं। नेम, एज, फोन, एड्रेस, डेट, ठीक हो गया। तो मैं इधर आता हूं, मुझे ये सारी की सारी चीजें चाहिए, मैं लिखूंगा const name is equal to request dot body dot name, इसी तरह यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी एज और इधर कर देते हैं फोन, और इसके अलावा एड्रेस, अब मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जिसकी शक्ल कुछ ऐसे थी, एक ऑब्जेक्ट था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम डॉट एज डॉट फोन डॉट एड्रेस, वो मैंने अलग-अलग चार वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर करा लिया क्योंकि ये चार चीज़ें मुझे चाहिए, एक दो तीन चार, और जो डेट है ना उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, मुझे खुद से नहीं देनी पड़ेगी। तो ये डाटा मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको चार वेरिएबल में सेव कर लिया, अब मैंने MongoDB के अंदर इसको सेव करना है। ये भी बड़ा आसान तरीका है, इसके लिए जो सिंटैक्स इस्तेमाल होता है ना वो बड़ा इजी है। वो अगर हम आए MongoDB पे, तो मैं आता हूँ मोंगूस पे, रीड द डॉक्स, और इधर अगर मैं आऊँ जी स्कीमा पे, चलें स्कीमा पे आए तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है जी। चलें, वो कहता है कि जो आपका मॉडल है ना, आपने न्यू का कीवर्ड लिखना, आगे अपने मॉडल को इन्वोक कर देना है। तो मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी const स्टूडेंट बराबर है न्यू, मैं कह रहा हूँ एक नया स्टूडेंट क्रिएट करो, और जो मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मॉडल है वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ, ये देखें ये इस लाइन पे, लाइन नंबर 5 पे, ये मेरा स्कीमा वाला है, यहाँ पे मैंने स्कीमा को कन्वर्ट किया था स्टूडेंट के मॉडल में, और इस मॉडल को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, और इसको मैं अपने इंडेक्स की फाइल में, ये देखें मॉडल्स का फोल्डर है, स्टूडेंट्स का जो स्कीमा वाली फाइल है, इस मॉडल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा मॉडल है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ, हाँ मैंने लिखना है न्यू, मेरे मॉडल का क्या नाम है, स्टूडेंट, और इसको मैंने, सिंटैक्स दोबारा देख लेते हैं जी, ठीक हो गया, इसको मैंने इन्वोक कर देना है, दैट्स इट। मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का नया इंस्टेंस क्रिएट करो जिसको मैंने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। जब मैंने इसको क्रिएट कर लिया, फिर मेरा अगला स्टेप क्या है, मैंने इसको करना है सेव। वो कहता है कि आपने फिर इस मॉडल को सेव भी करना है, ये देखें इस तरह से, जो आपने वेरिएबल बनाया ना उसको डॉट सेव का एक फंक्शन आपने कॉल कर देना है। तो मैंने एक नया स्टूडेंट क्रिएट किया, उसको सेव किया इस वेरिएबल के अंदर, तो मैं इधर आऊँगा, मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट सेव। अब ये मेरे डेटाबेस के अंदर एक नया स्टूडेंट क्रिएट होगा जो कि यहाँ से क्रिएट होगा, और उसको मैं कह रहा हूँ डेटाबेस के अंदर सेव कर दो। चलें ये हेल्ड हो गया था, अब ठीक हो गया, सेव कर दो। और उसके बाद अच्छा,
जब हम अपने डेटाबेस में अपना एक नया स्टूडेंट सेव करेंगे तो आपके ख्याल से ये काम जल्दी जल्दी हो जाएगा कि ये काम करने में टाइम लगेगा हमें? आपसे एक जनरल सवाल किया, जब हम डेटाबेस से बातें कर रहे होते हैं तो इस अमल में हमें टाइम लगता है कि ये पलक झपकने में ही हो जाता है? हो जाता सर, फोरेंसिक हो जाता नहीं, फोरेंसिक इस अमल में टाइम लगता है क्योंकि आपका डेटाबेस का सर्वर ढूंढनी पड़ती है, चेक करनी चाहिए सर, हमने ये बताया। तो आपका डेटाबेस का सर्वर पड़ा होता है बहुत दूर, तो हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन में कोई खलल आ जाए या डेटाबेस का सर्वर मसरूफ हो। तो जब हम ये कमांड लगाएंगे ना स्टूडेंट डॉट सेव, कि ये जो हमने नया स्टूडेंट क्रिएट किया है ना न्यू स्टूडेंट स्कीमा के साथ, तो उसको तुम डेटाबेस में सेव कर दो, तो इसको टाइम लगेगा। तो जब तक ये सेव नहीं होगा तुमने कोई और काम नहीं करना है। हम एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे अवेट, अवेट का मतलब होता है जब तक ये काम ना हो जाए तुमने इंतज़ार करना है, और ये इंतज़ार करेगा। जब ये काम हो जाएगा फिर ये अगली लाइन पे आके इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ये चीज़ यहाँ पे है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप अगर किसी फंक्शन में अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको उस फंक्शन को बनाना पड़ता है एसिंक। एसिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस फंक्शन, मतलब ये अगर कहीं जगह किसी जगह ठहर के वेट करना चाहता है ना तो ये वेट कर ले। अब ये एक एनोनमस फंक्शन था, आपने इसे पहले लिख दिया एसिंक कि मैं इस फंक्शन के अंदर अवेट का कीवर्ड कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इस एनोनमस फंक्शन को बनाया एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे मैंने अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया कि भाई ज़रा ठहर जाओ, जब ये काम हो जाए फिर तुमने अगली लाइन पे मूव करना है। जब तक ये डेटाबेस में ये चीज़ सेव नहीं होती तुमने इसी लाइन पे ठहर के इंतज़ार करना है। तो ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली, हमने सिर्फ दो चीज़ें की हैं। एक तो डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है अपने फॉर्म से, उसको इन वेरिएबल्स के अंदर वो किया, और दूसरा हमने एक स्टूडेंट का था मॉडल, उसका एक नया इंस्टेंट क्रिएट किया, वो हमने स्टूडेंट के अंदर डाला, फिर स्टूडेंट को डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया। अब ये स्टूडेंट का मॉडल है, इसके अंदर हमने कौन कौन सी वैल्यू सेव करनी है जी, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। लाइक हमने स्कीमा में लिखा हुआ था नेम, नेम बराबर है नेम, और नेम के बाद थी एज, एज बराबर है एज, और एज के बाद था उसका फ़ोन नंबर, फ़ोन बराबर है फ़ोन, और फ़ोन के बाद उसका एडीआई एड्रेस, एड्रेस बराबर है ये ले। ये हमारा सारा डाटा को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। तो हमने न्यू स्टूडेंट जो कि मेरा मॉडल है जो मैंने एक्सपोर्ट किया था, उसको एक ऑब्जेक्ट दिया और उसको बताया कि नेम एज फ़ोन नंबर और एड्रेस, जो कि मैंने यहाँ पर स्कीमा के अंदर लिखा हुआ था कि नेम एज फ़ोन नंबर और एड्रेस। अब जो मेरा नेम है, नेम है ये वाला वेरिएबल नेम, ये वाला आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर हम की और वैल्यूज़ के नाम एक ही तरह के रख सकते हैं। अब ये मैंने अपना सारा जो स्टूडेंट को क्रिएट करने का लॉजिक था ना उसको कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम चला के देखते हैं। अगर मैं अपने देखूँ मोंगो डी बी पे, ये मेरा क्लस्टर है फिलहाल। यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ ब्रोस कलेक्शन पे, कलेक्शन का मतलब होता है आपके टेबल्स। ये देखें आपके डेटाबेस का क्या नाम था, लम्स, और उसके अंदर आपका जो टेबल था वो था स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। और यहाँ पे हम देखें तो इंडेक्स पे आए, आपके डेटाबेस का क्या नाम रखा था मैंने, लम्स, और आपका जो कलेक्शन थी जिसको हम टेबल बोलते हैं इसका क्या नाम था, स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखा था और यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे आप लिखेंगे सिंगुलर और यहाँ पे ये आ जाएगा उसका जमा, मतलब अगर आप यहाँ पर लिखते टीचर तो इधर आ जाना था टीचर। तो अभी हमारा ये डेटाबेस खाली है, इसके अंदर कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है। मैं इधर आता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने एचटीएमएल फॉर्म पे, न्यू नोमान एज 22। जैसे मैंने सबमिट किया अब आपने देखना है क्या होगा, ये वो टेक्स्ट आ गया जो मैं रिस्पांस के तौर पे भेज रहा हूँ। अभी फ़िलहाल लम्स के डेटाबेस में एक टेबल पड़ा था जिसको हम कहते हैं कलेक्शन, उसको नाम दिया था स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डाटा नहीं पड़ा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
यहाँ पे अब आप देखेंगे ये एक स्टूडेंट मेरा क्रिएट हो गया, इसका नाम था नुमान सलीम, एज मैंने लिखी थी 22, ये फ़ोन नंबर एड्रेस और ये जो डेट थी ये खुद ब खुद आ गई। आज देखें 2021 है और ये 12वां महीना है और ये 30 तारीख है, ये देखें ये 30 तारीख है यहाँ पे। तो डेट मैंने की थी डिफ़ॉल्ट कि जब ये स्टूडेंट क्रिएट होगा तो डेट इसकी खुद ब खुद आ जाएगी, मेरे डाटा बेस में ये डेट क्रिएट हो गई थी। अब मेरे डाटा बेस में जो स्टूडेंट का टेबल है ना उसमें एक एंट्री मैंने डाल दी स्टूडेंट की। अच्छा जी मैं इधर आता हूँ, मैंने अपना जो है ना क्रड उसका जो सी है ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इधर आते हैं, यहाँ पे हम कमेंट भी दे देते हैं, सी आर ए टी क्रिएट न्यू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए दोबारा देख लें, हमने जो मेरे फॉर्म का डाटा था ना वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर था, उस सारे फॉर्म के डाटा में से मैंने अपने तमाम के तमाम इनपुट का डाटा निकाला, जो मैंने इनपुट का नाम रखा होता नेम एज फ़ोन नंबर एड्रेस, और फिर मैंने उसको एक नया स्टूडेंट के मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट किया, उसको ये जो जितने भी वेरिएबल्स थे ना ये सारे के सारे मैंने इधर दे दिए एज अ ऑब्जेक्ट कि तूने ना एक स्टूडेंट क्रिएट करना है जिसके जिसके नेम की वैल्यू ये हो, एज की वैल्यू ये हो। फिर मैंने इस जो था ना मेरा नया स्टूडेंट का इंस्टेंस इसको कहा डाटा बेस के अंदर जाके सेव कर दो। तो जब डाटा बेस के अंदर सेव हो गया, ये मेरे मोंगो डीबी में एक स्टूडेंट पड़ा है। अब अगर मैं दोबारा से एचटीएमएल फॉर्म के अंदर जाऊं, मैं यहाँ लिखूं न्यू, मैं यहाँ पे नया स्टूडेंट लिखता हूँ जी फिजान, फिजान और उसकी एज कर लेते हैं 33, फ़ोन नंबर हम कर लेते हैं कुछ भी और एड्रेस कर लेते हैं कुछ भी। इसको मैंने सबमिट किया। अब आप देखेंगे कि ये मेरा डाटा बेस है, अभी सिर्फ यहाँ एक ही स्टूडेंट पढ़ा है नुमान। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आपका जो क्लस्टर है मोंगो डीबी का, अब यहाँ पे दो स्टूडेंट आ गए, पहला है नुमान दूसरा है फिजान। और अब देख सकते हैं इसकी डेट और डेट सेम है, टाइम डिफरेंट है क्योंकि डेट मैंने लिखा था डेट डॉट नाउ। मैं इधर आऊँगा, ये आप डेट को देख सकते हैं, डेट को मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी क्योंकि मैं इसको एचटीएमएल के फॉर्म के जरिए तो सेंड नहीं कर रहा था, मैंने कहा इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो जब भी स्टूडेंट क्रिएट हो डेट डॉट नाउ की, कि अब जो आपके कंप्यूटर में डेट है ना वो यहाँ पे आ जाए। तो स्टूडेंट को क्रिएट करने का इतना सही लॉजिक है जो आपका है ना क्रेड का सी मोंगो डीबी के डाटा को क्रिएट करने के लिए। और अगर मैं अपने होम पेज पर जाऊँ, होम पेज के अंदर मेरा होम पेज किधर है भाई, ये मेरा होम पेज है, मेरा व्यूज़, ये मेरा होम पेज है। इधर मैं एक ए टैग लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट न्यू स्टूडेंट फॉर्म, क्योंकि मैंने अपने फॉर्म पे जाना है, यहाँ पे स्लैश स्टूडेंट स्लैश न्यू, एक ये चीज़। और दूसरी, जब मैं कोई स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ ना देखें इस रूट में, तो एंड पे मैं ये चीज़ सेंड कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट डाटा रिसीव्ड की बजाय कुछ और हो। मैं चाहता हूँ कि एक ये एक फंक्शन होता है रीडायरेक्ट का, कि जब तुम ये सारे काम कर लो ना तो तुम रीडायरेक्ट कर दो होम पेज की तरफ। अब जब ये सारे काम हो जाएंगे, डाटा डाटा बेस में सेव हो जाएगा, मैं इसको कह रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कि तुम इस स्लैश के यूआरएल के ऊपर दोबारा से चले जाओ, रीडायरेक्ट कर जाओ। तो मैं इधर आता हूँ जी, सर्वर को दोबारा रन करता हूँ, अपने होम पेज की तरफ चलते हैं, ये मेरा होम पेज है। अब मैंने यहाँ पे ये क्रिएट न्यू स्टूडेंट फॉर्म वाले पेज का एड्रेस दे दिया था, अब यहाँ पे मैं एक नया स्टूडेंट बनाता हूँ जी फैसल, उसकी एज 44, फ़ोन नंबर कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, इसको सबमिट करता हूँ। एक तो जब मैंने सबमिट किया मैं होम पेज पे दोबारा वापस आ गया, और जब मैं अपने मोंगो डीबी को देखूँगा यहाँ अभी दो स्टूडेंट हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें अब तीन स्टूडेंट हो जाएंगे, नुमान फिजान और फैसल। ये आप लोग इस चीज़ को दोबारा देख लें, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, क्योंकि जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट करने के बाद लाइक जब आप साइन इन करते हैं या
साइन अप करते हैं फेसबुक पे, तो साइन अप करके वो आपकी चीज़ों को डाटाबेस से चेक करेगा और वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है अपने आपके प्रोफाइल के होम पेज पे। तो वो ऐसे होता है कि तुम रीडायरेक्ट कर जाओ, मैंने इसको कहा है मेरा जो है ना स्लैश का रूट वहाँ पे, और ये मेरा स्लैश का रूट है और यहाँ पे मैं जस्ट होम पेज को रेंडर करवा रहा हूँ। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ लें, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। डाटा को क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही कमांड इस्तेमाल, डाटा को डाटाबेस में सेव करने के लिए जस्ट ये वाली कमांड इस्तेमाल हुई है। स्टूडेंट का जो हमने ये इंस्टेंस क्रिएट किया है ना, इसको हमने कहा जाके MongoDB में सेव कर दे। तो और इससे पहले हमने लगाया अवेट, क्योंकि अगर हम अवेट नहीं लगाएंगे ना तो हमें हमारे पास एरर आने के चांसेस होंगे, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब हमने डाटा को पढ़ना कैसे है, तो वो भी बहुत ईजी है। डाटा को पढ़ने के लिए मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ, ये मेरा होम पेज है। इधर मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ शो ऑल स्टूडेंट्स कि मुझे तमाम के तमाम स्टूडेंट दिखाओ, और इसको मैं URL देता हूँ /students। मैं अपने इधर इंडेक्स पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया रूट लिखता हूँ शो ऑल स्टूडेंट्स, नया रूट लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ app.get/students request response। अब मुझे सारे के सारे स्टूडेंट को शो कराना है, तो वो भी बड़ा इजी है। वो देख लेते हैं जी उसका क्या सिंटैक्स है। मैं इधर आता हूँ मोंगोस पे, क्यूरीज पे चलते हैं, फाइंड की क्यूरी होती है जी, ये सेम क्यूरी है कि आपने डॉट फाइंड का फंक्शन इंप्लीमेंट कर देना। तो मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपने मॉडल का नाम लिखता हूँ जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, इस फंक्शन को मैंने इंप्लीमेंट कर देना है। और इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए, कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत है, कॉन्स्ट जब ये फाइंड हो जाए तो मैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर देता हूँ जी, एक HTML का पेज रेंडर करते हैं जो हमने अभी मेरे ख्याल से बनाया नहीं, स्टूडेंट्स स्लैश ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स का पेज रेंडर करते हैं। और मैं व्यूज़ में आता हूँ, स्टूडेंट के अंदर ये पेज बनाता हूँ जी ऑल स्टूडेंट्स डॉट EJS, ये मैंने पेज बनाया, यहाँ पे लिखते हैं जी ऑल स्टूडेंट्स, और इधर H1 पे लिख देते हैं ऑल स्टूडेंट्स पेज। चले मैं इधर आता हूँ, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि और इसको लॉग भी करा लेते हैं, मैं कह रहा हूँ इस लाइन पे कि डेटाबेस में जाओ और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो है ना स्टूडेंट्स उनको फाइंड करके इस वेरिएबल में सेव कर दो। तो मैं देखता हूँ इस वेरिएबल के अंदर क्या सेव होता है, इसको सेव करता हूँ। अच्छा, मेरा ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों सेम है, /students/students, तो ये आपस में फ़र्क कैसे करेंगे, ये कोई मुझे बता सकता है। ये मेरा होम पेज है, ये मेरा है क्रिएट न्यू स्टूडेंट, और ये है शो ऑल स्टूडेंट जो कि उस पेज पे लेके जाएगा जो मेरे डाटाबेस में से तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ेगा और वो उसको शो कर देगा। अब ये जो ये वाला URL और ये वाला URL दोनों सेम है, तो मेरा सर्वर कैसे इस पे डिफ्रेंशिएट करेगा,
ये भी स्लैश स्टूडेंट है, ये भी स्लैश स्टूडेंट, मैं सर्वर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये URL तो सेम है लेकिन ये अलग अलग रिक्वेस्ट है? सर गेट और पोस्ट के थ्रू, गेट और पोस्ट के थ्रू। ये वाली जो है ना पोस्ट रिक्वेस्ट, ये मैं इसको भेज रहा हूँ अपने ये जो HTML फॉर्म है यहाँ से, और ये जो मेरा ऊपर वाली गेट की रिक्वेस्ट है ना, ये जो मेरा होम पेज है, ये मैं इसको ये जो सिंपल मेरा ए टैग है लिंक टैग, ये स्लैश स्टूडेंट वहाँ से भेज रहा हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक देखता हूँ कि ये फाइंड करके मुझे क्या देता है, मैं अपने होम पेज पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसने मुझे एरर दे दी, ये कह रहा है जी स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड। हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है जबकि मैंने जब इसको इम्पोर्ट किया है इस नाम से इम्पोर्ट किया है स्टूडेंट के नाम से, अपने मॉडल को जो इम्पोर्ट किया है ना, तो मैं इधर आता हूँ, जो मेरे MongoDB की जितनी भी है ना क्यूरीज वो मेरे मॉडल के ऊपर चलेंगी। ये मेरा जो है ना मॉडल जो मैंने इम्पोर्ट किया है स्कीमा की फाइल से, अब डॉट फाइंड की क्यूरी उसके ऊपर चलेगी। तो उसने दे दी थी एरर, तो सर्वर को दोबारा रन करते हैं, मैंने टाइपो कर दी थी, सर्वर चल पड़ा, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ, शो ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑल स्टूडेंट का पेज आ गया। यहाँ पे कितनी अजीब चीज़ प्रिंट हुई है, ये देखें, ये बड़ी ही अजीब चीज़ प्रिंट हो गई है। हालांकि इसको तो सारे के सारे स्टूडेंट प्रिंट करने चाहिए थे जो मेरे डेटाबेस में पड़े हैं। ये इसने प्रिंट क्या किया जी, ये देख लेते हैं। ये देखें, इसने प्रिंट किया क्यूरी, क्यूरी का मतलब है जो क्यूरी मैंने इसको सेंड की थी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम डेटाबेस से बातें करते हैं तो हमें इसको कहना पड़ता है अवेट, कि भाई इंतज़ार करो, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब तुमने अगली लाइन पे मूव करना है। अभी मैंने यहाँ पे अवेट लिखा नहीं था, इसने डेटाबेस को कहा कि मुझे सारे के सारे स्टूडेंट फाइंड करके वापस कर दो। अभी वो काम पूरा नहीं हुआ था, इसने इसको कंसोल करा दिया और यहाँ पे स्टूडेंट की जगह कोई अजीब सी चीज़ प्रिंट होगी। और जहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे उस फंक्शन से पहले एसिंक लाजमी लिखेंगे कि हम इस फंक्शन के अंदर अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन को मैं बना दूँ एसिंक। तो मैं इधर आके दोबारा से अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, रिस्टार्ट किया, मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे शो ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। तो अब देखें, इसने ये सारे के सारे स्टूडेंट जो मेरे डेटाबेस में पड़े हैं, नुमान, फिजान और फैसल, इसने कंसोल पे प्रिंट करा दिए। अगर मैं MongoDB पे देखूँ तो यहाँ पे भी ये तीन स्टूडेंट पड़े हुए हैं, नुमान, फिजान और फैसल। इसका मतलब आपको पता चल गया कि मैं डेटाबेस में से डाटा जो है ना क्रड का आर डाटा रीड कैसे करूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं जी क्रड, डाटा क्रिएट करना भी मैंने आपको दिखा दिया, डाटा रीड करना भी। अब ये जो स्टूडेंट्स है ना, इसको मैंने अपने पेज के अंदर शो कराना है। आपको पता है मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ और इस स्टूडेंट्स को मैं पास कर देता हूँ पेज के अंदर, और इस कंसोल को मैं एक दफ़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं अपने ऑल स्टूडेंट के पेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, एक लूप लगाना है, ये मेरा होगा फॉर लूप। यहाँ पे कहता हूँ लेट स्टूडेंट, इसका नाम कोई भी रख लें, ऑफ, मैं इसको स्टूडेंट की अरे पास कर रहा हूँ जो कि ये वाली अरे है, ये वाली अरे। ये अरे क्यों है, क्योंकि मेरे MongoDB में अभी तीन स्टूडेंट पड़े हुए हैं और जो मेरे है ना फाइंड की कमांड ये वाली, मैं इसको कह रहा हूँ स्टूडेंट का जो मॉडल है ना उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट पड़े हैं उनको फाइंड करो। चूँकि स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वो एक अरे की शक्ल में मुझे इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे, और ये अरे मैं इसको सेंड कर रहा हूँ अपने इस पेज को ड्यूरिंग दी रेंडर। अब ये मैंने अरे सेंड की, तो इस अरे को जब मैंने आइट्रेट करना है तो मुझे फॉर लूप चाहिए। तो मैंने किस नाम से ये सेंड किया है, स्टूडेंट्स के नाम से, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, आ स्टूडेंट स्टूडेंट, ये अरे की ब्रैकेट, मैं नीचे आता हूँ जी, यहाँ पे EGS का सिंटैक्स इस्तेमाल करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी H5 पे स्टूडेंट के कोई प्रॉपर्टी EGS, यहाँ पे इक्वल साइन ताकि ये शो हो जाए। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम, इधर मैं डालता हूँ पैराग्राफ EGS इज इक्वल टू
student.h और इधर एक डाल देते हैं HR। चलें, मैंने जो स्टूडेंट की रे पास की ऑल स्टूडेंट के पेज को उसको जस्ट मैं शो करा रहा हूँ, तो मैं इधर आता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ये क्या हो गया जी, चलें सर्वर को रन करता हूँ, अपने होम पेज पे जाता हूँ, शो ऑल स्टूडेंट। ये देखें, नुमान, फिजान, फैसल। मेरे डेटाबेस में इस वक्त 3 स्टूडेंट पढ़े हैं, नुमान, फिजान, फैसल। और अगर मैं दोबारा से जाऊँ होम पेज पे, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टूडेंट के फॉर्म पे जाऊँ, एक नया स्टूडेंट बनाता हूँ, अनम, ANM अनम। इसकी एज फर्ज करें 34, इसका फ़ोन नंबर कुछ भी, इसका एड्रेस कुछ भी। इसको सबमिट करता हूँ, मैं अपने होम पेज पे आ गया, शो ऑल पेज पे आया हूँ, तो नुमान, फिजान, फैसल, अनम। अब ये जो मेरा ये वाला है ना, ये डेटाबेस में से पढ़ रहा है कितने स्टूडेंट हैं, और अगर मैंने नया स्टूडेंट क्रिएट करना है, मैं न्यू स्टूडेंट के पेज पे जाऊंगा और वहां से स्टे क्रिएट कर दूंगा। अब ये फिलहाल यहाँ पे 3 स्टूडेंट पढ़े हैं डेटाबेस में, मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया तो देखना यहाँ पे 4 हो जाएंगे, दिस इज़ नुमान, दिस इज़ फिजान, फैसल एंड अनम। तो हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक करट के, क्रिएट और रीड। ये मेरा है डाटा को रीड करने का फंक्शन, मैं कह रहा हूँ कि इस URL पे आओ, और जब जो मेरा मॉडल है स्टूडेंट का जो मैंने क्रिएट किया है, उसमें तमाम के तमाम स्टूडेंट को फाइंड करो और उसको साइन कर दो इस वेरिएबल को। चूंकि स्टूडेंट एक से ज़्यादा होंगे, वो एक अरे को रिटर्न करेगा जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। इस अरे को मैंने पास कर दिया ऑल स्टूडेंट के पेज को, और ऑल स्टूडेंट के पेज के अंदर आपको पता है हम EJS का इस्तेमाल करके, ये एक अरे थी, इसको मैंने लूप किया और हर स्टूडेंट का नाम और एज मैंने स्टूडेंट पे प्रिंट करा के उसको देख लिया। और अगर मैं स्टूडेंट को क्रिएट करने का देखूँ लॉजिक, तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डाटा को इम्बेड करके भेजूँ, ताकि मैं अनलिमिटेड डाटा सेंड कर सकूँ और मेरी प्राइवेसी भी बरकरार रहे, मेरे URL के अंदर मेरे दोस्तों को नज़र ना आए कि मैं क्या भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले जो फॉर्म डाटा था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, request.body.name, request.body.age, सारे वेरिएबल्स करके, फिर मैंने एक नया स्टूडेंट का वो बनाया, इंस्टेंट क्रिएट किया, और इस स्टूडेंट को मैंने डेटाबेस में सेव कर दिया। और जब भी हम डेटाबेस के साथ बातें करेंगे, हमने अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपने देख लिया कि यहाँ पे जब मैंने कंसोल कराया था तो वो एक अजीब सी चीज़ प्रिंट हो गई थी, क्योंकि अभी तक मेरे स्टूडेंट मुझे वापस नहीं मिले थे। और अवेट का कीवर्ड जहाँ यूज़ करेंगे, उस फंक्शन से पहले हम इस्तेमाल करेंगे एसिंक फंक्शन। और एक चीज़ हमने पढ़ी response.redirect, कि जब ये सारा काम हो जाए तो तुम मुझे किसी और पेज पे वापस ले जाओ। लाइक जब हम करते हैं लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम फेसबुक के होम पेज पे चले जाते हैं, तो उन्होंने भी ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया होता है, कि जैसे ही लॉगिन का लॉजिक पूरा हो जाए, आप रीडायरेक्ट कर जाए फेसबुक के होम पेज पे, या आपकी प्रोफाइल के होम पेज पे, या यूट्यूब के होम पेज पे। ये चीज़ होगी। और इसके अलावा यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले। जाग रहे हो बच्चों? जी सर जाग रहे हैं यार। आप लोग सवाल ही नहीं करते, इसके 2 मतलब होते हैं सर जी, आपकी समझ लग जाती है, इसलिए वो जरूरत नहीं रहती पूछने। नहीं नहीं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं। या तो ये होता है कि यार समझ नहीं आ रही, भाड़ में जाए, दूसरा होता है कि सही समझ आ रही है, लेकिन सही समझ आ रही वाला सिलसिला इतना ज्यादा नहीं होता, वो कम होता है। अजी दरअसल आसरा ये हो जाता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर बाद मिल जाएगा, कहीं से अगर ना भी समझ लगी तो बंदा वो देख के समझ लेता। अच्छा, लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर लॉजिकल सवाल किया करें ना, या रिस्पॉन्स दिया करें, तो उससे ये होता है कि ज़रा पता चल रहा होता है कि हो क्या रहा है। चीज़ें ऐसे तो नहीं लग रही कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल के, यार ये हो क्या रहा है, ये फीलिंग भी आती होती है बार दफ़ा। हाँ जी सर, सही समझ रहे हैं आप। अच्छा,
थोड़ा सा मजीद समझा पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, जब आपने SQL में काम किया था तो SQL में डेटाबेस का नाम होता था, होता था ना, ये आपके डेटाबेस का नाम है, ये आपके डेटाबेस का नाम है, और आपके टेबल का नाम होता था, ये आपके टेबल का नाम है। लेकिन फर्क ये है कि MongoDB में आप टेबल को कहते हैं कलेक्शन। ये देखें, ये लिखा हुआ कलेक्शन, ये दिस इज योर कलेक्शन, ये आपका टेबल है, और उस टेबल में आपकी होती थी रोज और कॉलम। आपका जो MongoDB है ये उसकी एक रो है, और इसमें रो की बजाय होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेबल में कॉलम होते थे, यहाँ पे क्या है कॉलम की बजाय? रो सर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये देखें, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आप इसको टेबल पे देखें ना, ये होगा नेम का कॉलम, ये होगा एज का कॉलम, ये होगा फोन नंबर का कॉलम। तो ये वही चीजें हैं, जस्ट इनके नाम डिफरेंट है। टेबल को बोलेंगे कलेक्शन, एक डॉक्यूमेंट को बोलेंगे एक रो। आपको पता है एक रो के अंदर तमाम डाटा होता है, हर कॉलम के नीचे स्टूडेंट नंबर 1, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, और वहाँ पे कॉलम होते थे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है _ID। ये हमने जनरेट नहीं की, ये आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आपके डेटाबेस में हर आपका जो एंटिटी होती है ना, उसकी एक प्राइमरी की होती है, ये MongoDB खुद जनरेट करता है, ताकि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें जब हम इसको पढ़ना चाहते हैं डेटाबेस में से। जब हम करेंगे ना अपडेट और डिलीट, कि हमने इस स्टूडेंट को डिलीट करना है, तब ये _ID हम इस्तेमाल करेंगे कि जिस स्टूडेंट की ये ID है उसको कर दो डिलीट। अच्छा, और जो ये डेटा ये खुद ब खुद वो हुई है। चलें, आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आप इसको अपने हाथों से कोड कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला में भी आप लोग को ये हो जाएगी। और ये जो है क्यूरी स्ट्रिंग, इससे मुतल्लिक आपका कोई सवाल हो तो वो पूछ लें आप। आई थिंक कोई सवाल नहीं, क्योंकि इधर ही हमने अपने डेटाबेस का नाम लिखा है ये, तो जो हम यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ मैंने लम्स लिखा है, यहाँ मैं कुछ और लिखूंगा तो इधर वो नाम आ जाएगा, क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग में ही मैंने बताया मैं कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ और किसके साथ मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है सर। ठीक, और ये जो स्टूडेंट्स का नाम है ये कहाँ से आ रहा है, ये पता है? ये आ रहा है जो मेरा स्कीमा है ना, स्कीमा, मैंने स्कीमा को मॉडल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे मैंने अपने कलेक्शन का नाम लिखना है कि मैं स्टूडेंट्स की कलेक्शन के अंदर जो भी मैं सेव करूंगा या रीड करूंगा वो मैंने यहाँ से करना है। पहला लफ्ज इसका बड़ा लिखना है, दिस इज द नॉर्म, और इसको हमेशा सिंगुलर में लिखना है, आपने स्टूडेंट्स स्टूडेंट को स्टूडेंट्स नहीं बनाना। और मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपने मॉडल के अंदर टीचर का एक वो बनाना है, टीचर की फाइल, टीचर का आपने स्कीमा लिखना है, उसमें टीचर का नाम वगैरह उसको आपने सेव करना है। चले, मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, शेयरिंग में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, फिर साइन ऑफ करता हूँ मैं। ओके सर, सर अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। बस सर शेयर कर दीजिएगा लेक्चर और कर देते हैं ज़ुबैर भाई, ज्यादा टेंशन है आपको। मैंने पिछला भी नहीं किया मेरा ख्याल है। यस सर, नहीं किया। हाँ जी, चलें ठीक है, मैं दोनों शेयर करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। सेंडर से लगाते हैं।